हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल वाला। इस वीडियो में हम लोग मेडिकल से रिलेटेड बातें ना करके स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बातें करेंगे, क्योंकि पैसा तो वहीं बनता है बॉस। तो पार्टिकुलरली आज हम लोग अडानी के स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अडानी के सारे स्टॉक्स आज काफ़ी लंबे दिनों के बाद बुलिश फॉर्म में दिखाई दिया, एक्सेप्ट अडानी ट्रांसमिशन। हम लोग इस स्टॉक्स का चार्ट देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि जब वो रिपोर्ट हिंडरमैन का रिपोर्ट नहीं आया था तो ये स्टॉक्स कितने पे ट्रेड कर रहा था और अभी कितने पे कर रहा है। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, अडानी इंटरप्राइजेस लगभग आज 15% से, अडानी पोर्ट्स लगभग 6%, अडानी ट्रांसमिशन आज भी बेयरिश फॉर्म में रहा, 5% से ये स्टॉक घटा, बट अडानी पावर, अडानी ग्रीन ये दोनों 5% से बढ़े हैं। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले अडानी इंटरप्राइजेज का हम लोग चार्ट देखते हैं और डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं, ये रहा अडानी इंटरप्राइजेज का चार्ट। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये स्टॉक्स मिड दिसंबर 2022 में हम लोग को लगभग 4100 पे मिल रहा था, जो कि अभी घट कर सिर्फ 1371 रुपीज़ में मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छे मौके बनते हैं इसमें एंट्री लेने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, अडानी पोर्ट्स। ये फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसने हाल ही में इसराइल के दो बड़े पोर्ट्स को लीज पे लिए हैं। सो रिपोर्ट आने से पहले आप देख सकते हैं मिड दिसंबर 2022 में ये स्टॉक 900 पे ट्रेड कर रहा था, जो कि अभी 590 पे मिल रहा है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छे मौके बनते हैं और ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, अडानी पावर। आने वाले दिन ग्रीन एनर्जी का ही है, सो अडानी पावर भी एक अच्छा स्टॉक है। आप लोग देख सकते हैं ये वाले स्टॉक्स दिसंबर 2022 में हम लोग को लगभग 335 पे मिल रहा था, जो कि अभी सिर्फ 146 पे मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छे मौके हैं इसमें भी एंट्री लेने की लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, अडानी ट्रांसमिशन को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, अडानी ग्रीन इसके बारे में करते हैं, देखते हैं इसका चार्ट। तो आप लोग देख सकते हैं ये स्टॉक्स हम लोग को 2023 के बिगिनिंग में हम लोग को लगभग 2100 रुपीज़ में मिल रहा था, जो कि अभी सिर्फ 485 में मिल रहा है। तो काफ़ी घटे हैं, काफ़ी सस्ते में मिल रहे हैं, आप लोग उठा सकते हैं इसको। सुनिए सबका, इन्वेस्ट अपने एक्सपेरिमेंट, अपने रिसर्च करने के बाद ही करिए। चलो फाइनली हम लोग अडानी ट्रांसमिशन के बारे में ही डिस्कस कर ही लेते हैं। तो अडानी ट्रांसमिशन चार्ट देखते हैं, ये काफ़ी दिनों से बेयरिश फॉर्म में है। आप लोग देख सकते हैं ये स्टॉक्स हम लोग को अर्ली जनवरी में लगभग 2750 में मिल रहा था, जो कि अभी घट कर सिर्फ 642 रुपीज़ में मिल रहा है। तो इसमें अभी मत एंट्री कीजिए, क्योंकि ये अभी भी बेयरिश फॉर्म में है। वेट एंड वॉच की पॉलिसी अप्लाई करिए। ये स्टॉक जब 2-3 दिन बुलिश फॉर्म में दिखाई दे दे, तब इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। तो हम अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, अडानी के सारे स्टॉक्स के अपडेट देते रहेंगे। सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इन्वेस्टमेंट में रिस्क है, अपने रिसर्च करके ओनली इन्वेस्ट करें।